गुड मॉर्निंग क्लास फाइव, टुडे वी आर गोइंग टू रीड एक्सरसाइज 2A फ्रैक्शन क्वेश्चन नंबर 5। ये 5 जो है वो स्टोरी प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अ फार्मर हैड कल्टीवेटेड 1/3 पार्ट ऑफ हिज एग्रीकल्चर लैंड ऑन फर्स्ट डे एंड 3/7 पार्ट ऑन द सेकेंड डे। हाउ मच डिड ही कल्टीवेटेड ऑन बोथ द डेज, हाउ मच पोर्शन इज लेफ्ट टू बी कल्टीवेटेड। देखिए बेटा ध्यान से, पार्ट ऑफ लैंड कल्टीवेटेड ऑन फर्स्ट डे, फर्स्ट डे कितना लैंड कल्टीवेट हुआ, 1/3। सेकेंड डे कितना पार्ट कल्टीवेट हुआ, 3/7। ठीक है, ओवरऑल देखिए एक लैंड है, ये ओवरऑल वन पार्ट है इसका। अब इसमें से फर्स्ट डे में 1/3 कल्टीवेट हुआ और सेकेंड डे में 3/7 कल्टीवेट हुआ। ओके, तो हम फाइंड आउट करेंगे पहले कि टोटल इन टू डेज में कितना लैंड कल्टीवेट हुआ। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितना लैंड कल्टीवेट हुआ। तो अब क्या करेंगे, 1/3 प्लस 3/7 कर देंगे। बेस सेम नहीं है, बेस सेम करेंगे, एलसीएम लेंगे 3/7 या 21 एलसीएम। 1 × 7 प्लस 3 × 7, 3 ये हो गया 7 × 7 प्लस 3 × 3 = 9/21। 7 + 9 = 16/21। तो टोटल पार्ट ऑफ लैंड कल्टीवेटेड ऑन बोथ द डेज, बोथ यानी इन टू डेज में टोटल कितना लैंड कल्टीवेट हुआ, 16/21। अब क्या पूछ रहा है, लेफ्ट पोर्शन, कितना पोर्शन लैंड का बच गया, अभी लेफ्ट हो गया, कल्टीवेट करना है। तो अभी हमने इतना कल्टीवेट किया है टू डेज में, अब ये इतना लेफ्ट है, इतना लेफ्ट ओवर है। तो लेफ्ट ओवर पार्ट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल कितना है हमारे पास, टोटल है 1, पूरा एक पीस है पूरा 1, और उस 1 पीस में से हमने 1/3 और 3/7 को कल्टीवेट किया। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कितना पोर्शन लेफ्ट है, तो टोटल हमारे पास है 1। अब कितना हमने कल्टीवेट कर लिया, 16/21, तो हम टोटल में से यानी 1 में से क्या माइनस कर देंगे, 16/21 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें पता चल जाए कितना पोर्शन लेफ्ट ओवर है। तो यहाँ 1 है तो इसके नीचे 1 रहेगा ही डिनोमिनेटर में, तो 1 और 21 का एलसीएम 21 ही आना है, तो राइट करेंगे 21, 1 × 21 माइनस 16, माइनस कर देंगे 21 में 16, तो कितना आएगा, 5/21। तो 5/21 पार्ट जो है वो लैंड का अभी कल्टीवेट होना बाकी है, यानी लेफ्ट ओवर है। तो ये हो गया बेटा आपका आंसर। क्वेश्चन देखिए बेटा, फ्रॉम अ बैम्बू ऑफ लेंथ 10 1/4 मीटर, मजीबूर कट अ पीस ऑफ लेंथ 3 7/8 मीटर्स विच वॉज सोल्ड टू अ मैन, हाउ मच ऑफ द बैम्बू इज लेफ्ट विथ हिम। सिंपल है, फ्रॉम अ पीस ऑफ बैम्बू ऑफ लेंथ, एक बैम्बू उसकी लेंथ है 10 1/4 मीटर्स, 10 1/4 मीटर्स में से मजीबूर ने 3 7/8 मीटर्स कट कर लिया, यानी कि ये पूरा ये है। अब इसमें से हमने इतना पार्ट कट कर लिया, कितना पार्ट है वो 3 whole 7/8 पार्ट कट कर लिया। अब फाइंड करना है हाउ मच ऑफ द बैम्बू इज लेफ्ट विथ हिम, कितना बैम्बू लेफ्ट है। सिंपल है, क्या करेंगे, टोटल ओवरऑल कितना है हमारे पास 10 1/4 और कितना कट कर लिया 3 7/8, तो हम क्या करेंगे, ओवरऑल में से जितना कट किया उतना माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें फाइंड आउट हो जाएगा कि कितना लेफ्ट ओवर है। माइनस कर देंगे, वही सेम प्रोसेस है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ये पहले तो ये इसको कन्वर्ट करेंगे एम प्रॉपर में, तो 10 4 = 40 प्लस 1 = 41/4 माइनस 3 8 = 24, 24 + 7 = 31/8। अब हम क्या करेंगे, सेम नहीं है बेस, तो बेस सेम करेंगे, एलसीएम लेंगे 8 हो जाएगा आपका, 41 × 2 माइनस 31/8, तो सॉल्व करेंगे इसको, 2 1 = 2 और 2 4 = 8 माइनस 31/8 माइनस कर देंगे, 2 − 1 = 1, 8 − 3 = 5, 5 = 51/8 ये आपका क्या है, लेफ्ट ओवर पार्ट है। तो आप जो है 51/8 मिक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या एज इट इज़ राइट कर सकते हैं, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था वैसे ही सेम इसमें भी करना है, सब्ट्रैक्ट करना है और कुछ है नहीं।
स्टेटमेंट आप राइट कर लेंगे क्वेश्चन से। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। थर्ड, जैक हैड 10 रुपीज आउट ऑफ विच ही गेव 1/4 ऑफ इट टू ललिता एंड 3/4 ऑफ इट टू ज्योतिका। हाउ मच मनी डिड ही हैव लेफ्ट विथ हिम, कितना मनी उसके पास लेफ्ट है। देखिए ये भी सेम बाकी सब क्वेश्चंस की तरह ही है, कितना मनी लेफ्ट है ये फाइंड आउट करना है। जैक हैड 10 रुपीज, कितना रुपीज है जैक के पास, 10 रुपीज है। ओके आउट ऑफ विच ही गेव 1/4 ऑफ इट टू ललिता। 1/4 ऑफ यानी कि 10 रुपीज का 1/4 किसको दिया, ललिता को। यानी कि 1/4 ऑफ 10, 1/4 ऑफ 10 मीन्स 1/4 इंटू 10। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, रिड्यूस कर लेंगे। 2 के टेबल से कट रहा है तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, अब रिड्यूस नहीं होगा तो हमारे पास क्या आया, 5/2। यानी कि 5/2 रुपीज़, 1/4 जो है वो कितना पार्ट हुआ, 5/2, तो यानी 10 रुपीज़ का 5/2 पार्ट जो है उसने दे दिया ललिता को। ठीक है, ललिता को दे दिया। अब नेक्स्ट है 3/4 ऑफ इट टू ज्योतिका। अब 10 रुपीज़ का ही 3/4 ज्योतिका को दे दे रहा है, तो 3/4 ऑफ 10 रुपीज़, अब रिड्यूस करेंगे वही 2 के डबल से 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, अब और रिड्यूस होगा नहीं तो क्या करेंगे, 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 5 रुपीज़, यहाँ नीचे बेस में 1 है तो 3 5 जा 15 और 2 1 जा 2, तो कितना आया, 15/2। अब ये रुपीज़ किसको दिया, ज्योतिका को, ये रुपीज़ जो है ज्योतिका को दे दिया उसने। तो 10 रुपीज़ था जैक के पास, 10 रुपीज़ का 1/4 पार्ट ललिता को दिया, यानी 1/4 कितना है, 5/2, और 3/4 पार्ट 10 रुपीज़ का किसको दिया, ज्योतिका को, कितना आया, रुपीज़ 15/2। ओके ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट क्वेश्चन से राइट करेंगे, जैक हैड 10 रुपीज़ आउट ऑफ विच ही गेव 1/4 टू ललिता, वहाँ से फिर फाइंड आउट करेंगे ललिता का, फिर ज्योतिका को जितना दिया वहाँ से फाइंड आउट करेंगे ज्योतिका का। देखिए ना क्वेश्चन नंबर 4, मुकेश स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली स्टेशन टू NCERT कैंपस, दिल्ली से NCERT कैंपस पे गया, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज 30 किलोमीटर, ये टू पॉइंट्स जो है डिस्टेंस कितना है, 30 किलोमीटर्स। नाउ ही ट्रेवल 26 होल 7/8 किलोमीटर्स बाई ऑटो रिक्शा, 26 7/8 किलोमीटर्स ऑटो रिक्शा से ट्रैवल किया उसने, 26 होल 7/8 किलोमीटर्स बाई ऑटो रिक्शा। अब हमें फाइंड आउट करना है द रेस्ट ऑफ द रोड ही वॉक्ड ऑन फुट, हाउ मच डिस्टेंस डिड ही वॉक ऑन फुट। जो रेस्ट है यानी ये इतना जो रेस्ट यानी बचा हुआ हिस्सा है, ये फाइंड आउट करना है कि कितना लेफ्ट ओवर पार्ट है, यानी कितना लेफ्ट ओवर डिस्टेंस है डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। टोटल कितना हमारे पास, 30 किलोमीटर्स टोटल है, 30 किलोमीटर्स। कितना ट्रैवल किया ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा से 26 होल 7/8 किलोमीटर, 26 7/8 किलोमीटर्स। कितना लेफ्ट ओवर है, कितना लेफ्ट ओवर डिस्टेंस है, तो हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस में से जितना ट्रैवल किया ऑटो रिक्शा से उतना सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा कितना लेफ्ट ओवर डिस्टेंस है। तो हम क्या करेंगे, 30/1 माइनस कन्वर्ट करेंगे, 8 6 जा 48, कैरी 4, 8 2 जा 16, अब 4 20 प्लस 7 200 प्लस 7 215, तो 215/8 किलोमीटर्स। ओके ये हो गया आपका। अब हम माइनस कर देंगे, तो माइनस करने के लिए एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आ गया बेटा, 8 हो गया आपका एलसीएम, 1 और 8 का एलसीएम 80 आएगा, 30 × 8 माइनस 215 किलोमीटर्स। मल्टीप्लाई करते हैं, 8 3 जा 24, 240 − 215/8 किलोमीटर्स। माइनस करेंगे, 0 में से 5 होगा नहीं, तो 10 − 5 = 5, 4 हो गया 3, 3 − 1 = 2, 2 − 2 = 0, 25 अपॉन
किलोमीटर्स, 25.8 किलोमीटर्स क्या अभी रिमेनिंग है, यानी इतना ही किलोमीटर जो है वो कैसे गया है, ऑन फुट, बाय फुट जो है उसने ट्रैवल किया है 25.8 किलोमीटर्स। तो सिंपल है, स्टार्टेड किया था दिल्ली से एनसीईआरटी कैंपस, टोटल डिस्टेंस हमारे पास 30 किलोमीटर्स थी, 26.8 किलोमीटर्स ऑटो रिक्शा से ट्रैवल किया, कितना तो कितना डिस्टेंस उसने वॉक किया, कितना डिस्टेंस वॉक किया, तो हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस में से जितना ट्रैवल किया ऑटो रिक्शा से माइनस कर देंगे, माइनस करने पे जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, यानी 25.8 किलोमीटर से आपका क्या हो गया आंसर। स्टेटमेंट आप बुक से ही लिखेंगे, बुक से बनाएंगे, ओके, जो क्वेश्चन है उससे स्टेटमेंट बनाएंगे।